संतो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा दुःखभाग्भवे। ॐ शांति शांति शांति। बिरसा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी राजपिपला द्वारा जनजातीय गौरव दिवस निमित्त आयोजित स्मरणांजलि वेबिनार में उपस्थित यूनिवर्सिटी ना माननीय कुलपति श्री डॉक्टर मधुकर एस पाडवी साहेब, कुल सचिव श्री डॉक्टर विजय सिंह वाड़ा साहेब, यूनिवर्सिटी स्टाफ, कॉलेज स्टाफ और आप सब विद्यार्थियों नु स्वागत छे। मित्रों, मुंडारी लोकगीत में बिरसा मुंडा विषय खूब सरस कहू छे। दुश्मनों ने तुम्हें पकड़ा था, तुम्हारे हाथों में लोहे की जंजीर थी, किंतु तुम्हारे मन में कोई चिंता नहीं। दुश्मन ने तुमने देश के लिए प्राण दे दिए, हम तुम्हें युगों तक नहीं भूलेंगे। हम आज तक तुम्हारे गीत गाते हैं, हम तुम्हें युगों तक जोहर करेंगे। तो आवा युवा स्वातंत्र्य सेनानी विषय विस्तृत में माहिती आपवा अपनी यूनिवर्सिटी ना माननीय कुलपति श्री डॉक्टर मधुकर एस पाडवी साहेब ने नम्र विनंती करू કે તેઓ યુવાન સ્વાતંત્ર્ય સેનાની એવા બિરસા મુંડાની જન્મ જયંતી તેમના સમગ્ર જીવન વૃતાંત વિશે આપણને માહિતગાર કરે। માનનીય કુલપતિ શ્રી, ધરતી કે આબા ભગવાન બિરસા મુંડા કી आज 147वीं जन्म जयंती है और यूजीसी ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को मानव गौरव दिवस के रूप में मनाने का एक आयोजन किया है। और हमारी यूनिवर्सिटी तो भगवान बिरसा मुंडा के नाम से ही जानी जाती है। और जैसा कि आप जानते हैं, बिरसा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी के नाम से हमारी यूनिवर्सिटी जो है देश में मशहूर है। और जैसा कि मैंने कहा कि धरती के आबा जिनको बड़े ही सम्मान के साथ जनजातीय समाज ही नहीं, हमारे जो लोग हैं, भारतवर्ष के लोग, उन्हें भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जानते हैं। वे जनजातीय मूल्यों के पुरुषकर्ता थे, जनजातीय संस्कृति के वाहक थे और आजादी के अग्रदूत थे, लोकनायक थे। और आज भी, यानी कि 147 साल के बाद भी लोक हृदय में एक अपना स्थान बनाया है और उन्हें लोग भगवान बिरसा मुंडा के नाम से याद करते हैं। तो हमारे विश्वविद्यालय में भगवान बिरसा मुंडा की ये जो जन्म जयंती मनाई जा रही है, अभी अभी हमने उनकी जो तस्वीर है उस तस्वीर को माल्यार्पण किया। हमारे उस कार्यक्रम में हमारे यूनिवर्सिटी के कार्यकारी कुल सचिव, प्रायोजना ऑफिसर और हमारा जो बिरसा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी परिवार है वो उपस्थित था। और अभी यह हमारे बच्चे, विद्यार्थी एवं अध्यापकगण इस तरह से आभासी पटल पर भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती मनाने के लिए उपस्थित रहे हैं, उपस्थित हैं। उन सबको मैं भगवान बिरसा मुंडा की
जन्म जयंती के अवसर पर और मानव गौरव दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता। मित्रों, पुनः मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आजादी का जो आंदोलन छिड़ा, आज पूरे भारतवर्ष में आजादी के अमृत महोत्सव को मनाया जा रहा है। आजादी के 75 साल के बाद ऐसे हमारे भगवान बिरसा मुंडा की बात करते हैं तो जो जनजातीय नायक हैं, जनजातीय जो क्रांतिवीर हैं, जनजातीय नायकों की जो एक श्रृंखला है, उस श्रृंखला की एक अग्रिम कड़ी जिसको हम कहते हैं सच्चे जननायक, जिन्हें हम कहते हैं ऐसे भगवान बिरसा मुंडा का जो जन्म है 1875 में हुआ था। और बराबर जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों से बात करते हुए भगवान बिरसा मुंडा की जब पुण्यतिथि हमारे विश्वविद्यालय ने मनाई थी तो उस वक्त कहा था कि केवल 25 साल की उम्र में अपने आप को उन्होंने कुर्बान कर दिया। 25 साल की उम्र जो है कोई बड़ी उम्र नहीं होती, और जिन्हें हम क्रांति के अग्रदूत कहते हैं ऐसे भगवान बिरसा मुंडा जब जन्म लिया तो उस वक्त उनका जो नाम है, नामकरण हुआ, उनके जो रिश्तेदार है, उन रिश्तेदारों ने, क्योंकि उनका जन्म गुरुवार को हुआ था इसलिए उनका नाम बिरसा रखा, बिरसा। और बिरसा को उस वक्त उनके जो पूर्वज है सिंह बोंगा जिसको हम कहते हैं, और उनके जो रिश्तेदार हैं, इन सब ने उनके जन्म के अवसर पर जो बधाई दी थी उस वक्त ये बात कही थी बिरसा देश की सेवा करेगा और अपने परिवार का नाम उज्जवल करेगा। और मित्रों, बराबर बिरसा मुंडा जी ने, भगवान बिरसा मुंडा जी ने जो क्रांति दृष्टा है, आजादी के जो जननायक हैं, इनमें अग्रिम पंक्ति में जिनका नाम लिखा जाता है, जिनको बड़े आदर के साथ भगवान बिरसा कहते हैं, धरती के आबा जिन्हें हम कहते हैं, ऐसे बिरसा मुंडा जी, उनकी जो पारिवारिक स्थिति है अत्यंत दारुण गरीबी, सुगना मुंडा और कर्मी मुंडा उनके माता पिता का नाम, और उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, बिल्कुल खराब स्थिति, लेकिन कहते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा ने अपनी जो बाल्य अवस्था है उस बाल्य अवस्था में पढ़ाई के लिए अपने गांव से अपने ननिहाल गए और वहां उन्होंने अपनी जो पढ़ाई है शुरू की। आर्थिक स्थिति की वजह से ठीक ढंग से उनकी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए नहीं मिल रही थी, सुविधा ही नहीं थी, इसलिए चायबासा मिशनरी स्कूल में गए पढ़ाई के लिए। और चायबासा मिशनरी स्कूल में जो स्कूल है उस स्कूल में जो संस्कार मिले, और कहते हैं कि मिशनरीज ने उस वक्त उनका नाम भी बदल दिया, पहले तो नाम बिरसा मुंडा लेकिन बाद में उनका नाम दाऊद रखा गया। और वहां रहे, उन्होंने देखा और फिर उनका मन उब गया स्कूल से भी, और उन्होंने जो स्कूल में देखा था उससे उन्हें नाराजगी हुई और वो स्कूल से भी बाहर निकल गए। क्योंकि जहां उनका जन्म हुआ था उलीहातु की हम बात करते हैं, प्रकृति की गोद में, प्रकृति में पले बड़े हुए और प्रकृति के बीच ही उन्हें अच्छा लगता था, और वहां उन्हें वो जो माहौल होना चाहिए वो नहीं मिला, नतीजा वो वहां से निकल गए। और उस वक्त उनकी जो उम्र है, ज्यादा उम्र नहीं, लेकिन उस वक्त उनके जो मित्र हैं उनके मन में एक ही बात चल रही थी कि यहाँ अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बनाए हुए हैं, इस गुलामी की जंजीर से इस देश को मुक्त करना है। और दूसरी जो बात थी कि वहां जो शोषण हो रहा है लोगों का, और तीसरी जो बात थी
प्रकृति प्रकृति का भी वो दोहन अंग्रेज कर रहे थे और प्रकृति से भी उनको खारिज कर देने की बात आई, यानी कि जनजातीय लोगों का जो जल जंगल का जो अधिकार है, जमीन जल जंगल और जमीन पर जो अधिकार है, उस अधिकार से भी जब उन लोगों को जनजातीय लोगों को वंचित करने लगे अंग्रेज, तो उस वक्त उनका जो मन है विद्रोह कर उठा और उसके बराबर विरोध में भगवान बिरसा मुंडा खड़े। थोड़ी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी और मुझे किस्सा याद आता है कि भाई भगवान बिरसा मुंडा की बहुत ही आर्थिक स्थिति खराब थी, नमक तक मयसर नहीं होता था घर में, नमक जो आवश्यक है हमारे लिए रसोई के लिए, तो वो नमक भी मयसर नहीं था, करें तो क्या करें। तो ऐसी स्थिति में एकमात्र कुदरत या प्रकृति का सहारा रह गया था, वो प्रकृति का सहारा भी जब अंग्रेजों ने छीन लिया तो उनका जो मन है जैसा मैंने कहा कि विद्रोह से भड़क उठा और वो निकल पड़े और उनके जो दूसरे मित्र हैं उन मित्रों से मिलकर उन्होंने जो एक आंदोलन है जनजातीय नायक जिनको हम कहते हैं आजादी का एक आंदोलन छेड़ दिया। मित्रों मैं कई बार जब आजादी के अमृत महोत्सव के बारे में बात करता हूँ और जनजातीय नायकों की जब बात करता हूँ तो जनजातीय नायक जो है भगवान बिरसा मुंडा ने दोहरे तिहरे मोर्चे पर लड़ाई लड़ी थी। आपको मैं ये साफ साफ बताना चाहता हूं कि उस वक्त की जो स्थिति है, ये जो सामान्य लोग हैं, आम लोग जिनके हैं जिन्हें हम कहते हैं, और जनजातीय जो लोग हैं इनकी एक तो आर्थिक स्थिति बराबर नहीं थी, दूसरा प्रकृति के सहारे वो रहते थे, उनका जो अधिकार है जैसा मैंने कहा कि जल जमीन और जंगल पर जो अधिकार है उससे भी उनको वंचित किया जाने लगा, और आगे की जो बात करते हैं तो इनसे भी ये वंचित हो गए, और इस पर हमारा जो ये जो जनजातीय समाज है इस समाज में साक्षरता नहीं थी, पढ़ाई लिखाई की बात बिल्कुल कम थी, नहीं ही थी, अनपढ़ लोग थे, और इस पर आगे जाकर बहुत सी अंधश्रद्धाएं उस वक्त फैली हुई थी। और कहते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा के सर पर एक बहुत बड़ा दायित्व आन पड़ा, अपने लोगों के जो संस्कार है, अपने लोगों के जो मूल्य है, अपने लोगों का जो शोषण हो रहा है, यानी कि शोषण से भी मुक्ति करनी है, अपनी जो लोगों के बीच अंधश्रद्धा फैली हुई उस अंधश्रद्धा से भी लोगों को मुक्त करना है, और तीसरा मूल्य जिसको हम कहते हैं मूल्य की प्रस्थापना करना, भारतीय मूल्य, और भारतीय मूल्यों के साथ साथ यहाँ हमारी जो जनजातीय परंपराएं हैं, रूढ़ियां हैं, इनके जो संस्कार है, उनकी जो संस्कृति है, उस संस्कृति को भी बचाए रखने का एक बहुत बड़ा जिम्मा इन्होंने लिया, और इस जिम्मेवारी को साथ ही साथ देश की आजादी, देश की मुक्ति के लिए भी उन्हें कोशिश करनी थी। मित्रों भगवान श्री कृष्ण की जब बात करते हैं तो कहते हैं कि एक हाथ में बांसुरी, दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र, ठीक भगवान बिरसा मुंडा के लिए भी यही जो एक कहना चाहिए कि शस्त्र बांसुरी और सुदर्शन के बजाय इन्होंने धनुष बाण को थामा, क्योंकि हमारी जनजातीय परंपरा में कहते हैं कि भगवान राम है ना, वो हमारे श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं ना कि भाई तुलसीदास जी ने कहा है रामचरितमानस में, जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर महाभिमानी, तब तब धर ही प्रभु मनुज शरीरा, हर ही सज्जन भव पीरा। तो यहाँ ये जो लोग हैं, भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवत गीता में जो कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम तदात्मनम परित्राणाय साधुनम विनाशय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय समवामि। मित्रों यहाँ भगवान बिरसा मुंडा ने भी उस वक्त
इन जनजातीय लोगों को एक ऐसे व्यक्तित्व की जरूरत थी, एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो अपने समाज, अपनी संस्कृति, अपना देश, उस देश को गुलामी की जंजीर से मुक्त कर सकें और अपने जो बांधव हैं, अपने जो देश के बासिंदे हैं, अपना जो जनजातीय समाज है उसके लिए भी वो कुछ करें और मानवीय मूल्यों की प्रस्थापना के लिए वो जूझ रहे। और कहते हैं कि उस वक्त हनुमान जी और भगवान श्री राम बिरसा को याद आए और कहते हैं भगवान राम ने धनुष बाण धारण कर रखा था, भगवान बिरसा मुंडा ने भी ये सोचा कि चलिए अंग्रेजों से हमें ये लड़ाई लड़नी है, एक शस्त्र के रूप में हमारे पास धनुष बाण होगा और दूसरे हाथ में मुरली बांसुरी। बांसुरी बहुत अच्छी बजाया करते थे भगवान बिरसा मुंडा, तो बांसुरी और ये धनुष बाण। तो कहते हैं कि इन्होंने, जैसा मैंने कहा कि जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा, जब इनसे, कुदरत से, जंगलों से उन्हें खारिज कर दिया, जनजातियों का अधिकार छीन लिया अंग्रेजों ने, तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ दिया। दूसरा, यहाँ भगवान श्री राम से प्रेरणा ली, भगवान हनुमान जी से प्रेरणा ली और वो बराबर 1891 के आसपास बदगांव जाते हैं और बदगांव में आनंद जी के पास जाते हैं और वहां वो जो आनंद जी थे वो भगवान की उपासना किया करते थे और कहते हैं कि वो जो है वैष्णव थे और ये आनंद पांडे नाम के जो गुरु महाराज हैं इनके, इनसे मिलते हैं 1891 के आसपास। और 1891 के आसपास मिलने के पश्चात उन्होंने जो बात कही उसमें वैष्णव जिसको हम कहते हैं, वैष्णवी जो संस्कार है जिसको आप जानते होंगे, हमारे गुजरात के ही आदि कवि नरसिंह मेहता का जो भजन है, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए पीढ़ पर आई जे जाने रे, वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीढ़ पर आई जाने रे। तो पीड़ा, इन जनजातीय लोगों की जो पीड़ा है देखी, इन लोगों का शोषण देखा अंग्रेजों के द्वारा, जो शोषण देखा, और दूसरी ओर अनपढ़ लोग, शिक्षा से वंचित लोग, इन लोगों के लिए कुछ करने के लिए इन्होंने पीड़ा उठाया, साथ ही साथ मातृभूमि की मुक्ति के लिए भी इन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। और कहते हैं कि उनका जो वैष्णव धर्म है अथवा तो उनका जो संप्रदाय है, आनंद जी के संपर्क में आने के पश्चात, अरे बिरसा तुम तो भगवान के उपासक हो, भगवान हनुमान जी की पूजा करो और भगवान हनुमान जी जो है वो आप पर प्रसन्न होंगे, आप में तो देवी गुण है, आप में ये संस्कार है, आप आगे बढ़िए, अपने लोगों को भी साथ रखिए। और हनुमान जी की कहते हैं कि ये उपासना किया करते, भगवान राम की उपासना किया करते थे, भगवान विष्णु वैष्णव, जब वैष्णव की बात करते हैं तो वैष्णवी संस्कार इन इनमें थे और इसलिए उनके गुरु जी ने कहा कि बिरसा जी आप में ये देवी संस्कार है, आपके पूर्वज तो भगवान हनुमान जी की उपासना किया करते थे, तो आप आगे बढ़िए। और इस तरह से कहते हैं कि सबरी माता आपकी कुल देवी, यानी ये संस्कार भगवान बिरसा मुंडा जो है इन्होंने ग्रहण किए और इन लोगों के लिए जो एक संप्रदाय की स्थापना की, संप्रदाय जिसको बिरसायत कहते हैं, और बिरसायत में मित्रों इन्होंने जो आम जनता है, साधारण लोग हैं, जो जनजातीय लोग हैं, इन जनजातीय लोगों के यहाँ जो अंधश्रद्धा थी उसको, अशिक्षा थी, उसको भी दूर करने की कोशिश की। और कहते हैं कि बिरसायत के बाद जो उन्होंने जो उपदेश दिए थे उन उपदेशों के साथ साथ कहते हैं कि बिरसा को सुनने के लिए बहुत सारे लोग आने लगे और साथ ही साथ जो जड़ी बूटियां हैं वो भी देने लगे, तो बहुत से लोग उनके यहाँ आने लगे। और इस बहाने यहाँ कहते हैं कि जो उनके पास आते थे, उनके साथ रहते थे, उनको बिरसायत संप्रदाय के लोग कहते हैं। और बिरसायत की जब बात करते हैं तो बिरसायती संस्कार में कहते हैं कि शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ऐसे लगभग 12 सूत्र दिए थे इन्होंने। और उन 12 सूत्रों में सबसे बढ़िया जो बात है कि भाई हमारे अंदर अथवा हमारे भीतर भारतीय संस्कार होने चाहिए,
और भारतीय संस्कृति के जो सिद्धांत है इनका हमें पालन करना चाहिए। माने कहने का तात्पर्य भारतीय सभ्यता और संस्कृति की एक रक्षा करनी चाहिए, ये एक उपदेश इन्होंने दिया। दूसरी जो बात है वो जनजातीय जो लोग हैं उनकी निस्वार्थ रूप से सेवा करनी चाहिए। मित्रों में बार बार महाभारत के श्लोक को याद करता हूं, न ही मानुषा श्रेष्ठ, मनुष्य से बढ़कर कोई नहीं है। और भगवान बिरसा ने भी कहा कि मनुष्य से श्रेष्ठ कोई नहीं है। और मनुष्यों में भी यहाँ जो लोग कहते हैं कि जनजातीय लोग जो पिछड़ गए हैं उन लोगों की भी सेवा करनी चाहिए, निस्वार्थ सेवा। स्वामी विवेकानंद जी ने कही थी दरिद्र नारायण की बात, ठीक भगवान यहाँ ये जो जनजातीय लोग हैं जनजातीय लोगों की निस्वार्थ सेवा करने की बात कही। और आदिवासी समाज में कहते हैं ये जो जनजातीय समाज है इनमें अंधश्रद्धा ज्यादा होती है, तो अंधश्रद्धा से भी और भूत पिशाच जिसको हम कहते हैं उनके प्रति भी उनकी वो एक कहते हैं लगाव होता है, इसको भी दूर करने की बात कही। और आयुर्वेदिक वनस्पतियों की बात भी कही। और इस पर इन्होंने आगे कहा कि हमें मांस मदिरा का भी सेवन नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। और जो कहते हैं जुआ, जुआ भी नहीं खेलना चाहिए। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य भगवान बिरसा मुंडा जी ने ये जो हमारा जनजातीय समाज है इस जनजातीय समाज को ये जो बदियां हैं कमजोरियां हैं इन कमजोरियों से भी मुक्त करने की कोशिश की। और जो अब कहते हैं दिव्यांग लोग हैं या कहते हैं कि लोग हैं उनके प्रति भी हमें एक भाव रखना चाहिए, उनके प्रति दया का भाव और प्रेम करुणा का भाव हमें रखना चाहिए। और आगे चलकर कहते हैं कि सामाजिक जो बुराइयां हैं उन बुराइयों से भी मुक्त करने की सोची थी भगवान बिरसा मुंडा ने, और आपसी जो झगड़े हैं इनको भी आपस में निपटाने की बात कही थी। तो ये जो सारी चीजें हैं ये सारी चीजें, इसके अलावा हर गांव में स्कूल होना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए। और ये जो बिरसायत पंथ है कुल मिलाकर मेरा कहने का तात्पर्य है वे अंग्रेज जो हमारा शोषण कर रहे हैं इन अंग्रेजों को हमें सहयोग नहीं, इन्हें किसी बात में सहयोग नहीं देना है, ये देश की आजादी के लिए जरूरी है। तो देखिए हमारी बुराइयां हमारी कमियां हमारी त्रुटियां इन सब चीजों को त्यागना, ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखना, और जिन्होंने हमें गुलाम बना रखा है अंग्रेजों ने उनको सहयोग नहीं देना। तो कहते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा के जो अनुयायी थे इन अनुयायियों ने इसका पालन किया। लेकिन अंग्रेज जो है, मैं बार बार कहता हूं कि अंग्रेज यहाँ तिजारत करने के लिए आए थे, तिजारत माने व्यापार करने के लिए आए थे, और इन्होंने यहाँ के जो लोग हैं यहाँ के लोगों की कमजोरी देखी और कहते हैं कि अपना राज्य प्रस्थापित कर दिया और इनको कैसे यहाँ से भगाया जाए, कैसे इनको टरकाया जाए, कैसे इन्हें दूर किया जाए, कैसे हमारे देश को मुक्त किया जाए, इसके लिए बिरसा लगातार सोचते रहे। और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। और खास करके मैं उस घटना का जिक्र करना चाहूंगा जिसको हम डोमबारी कांड कहते हैं, 1895 के आसपास यहाँ बिरसायत संप्रदाय में दीक्षित बहुत से लोग इकट्ठा हुए थे और कहते हैं कि अंग्रेजों ने, क्योंकि बिरसा जी ने भगवान बिरसा मुंडा ने जो जंगल का अधिकार है आज जिसको हम नए सिरे से उस पर हम विचार कर रहे हैं लागू किया है, जंगल का अधिकार है तो उस अधिकार से वंचित कर दे। मित्रों क्या था ये, तो कहते हैं कि जंगल की जो पैदाइश है जंगल की जो उत्पाद होती है कुछ होता है मिलता है हमारे जनजाति लोग उसी जंगलों पर आश्रित होते थे। आपने सुना होगा महुआ, महुए के पेड़ होते हैं उसका फल उसके फूल ये सब इस्तेमाल होते हैं। फिर दूसरे जो पेड़ पौधे हैं उनके बारे में भी हमारी जो जनजाति है अच्छी तरह से जानकारी रखती है, उसी के आधार पर जीती है। और सबसे बढ़िया तो आपने देखा होगा कि हमारी जो जनजाति लोग हैं गाय पालते हैं,
उसके लिए घास चाहिए, जंगल में गाय भैंस चराने के लिए जाना। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये जो अधिकार है उनके, जंगल में रहते हैं, जंगल में जो चीजें हैं उसका उपभोग करेंगे, उसी उसी का सहारा, उसी के सहारे ये लोग जीते हैं। तो उससे भी अंग्रेजों ने खारिज कर दिया, कानून बनाकर। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो शोषण है एक तरीके से, भगवान बिरसा मुंडा ने अपने अधिकार के प्रति शिक्षा के जरिए इन लोगों को जागृत करने की कोशिश की। और सबसे दुस्तर कार्य माँ भारती की गुलामी उनको अखरती थी। भैया आखिरकार ये मात्र जमीन का टुकड़ा नहीं है देश हमारा, हम जो भौगोलिकता के रूप में एक नक्शा देखते हैं वो मात्र नक्शा नहीं, उस पर रहने वाले जो लोग हैं सही मायने में वो सब भारत माता है, भारत के बासिंदे, भारत है वो। तो मित्रों भगवान बिरसा मुंडा ने इन लोगों को इकट्ठा किया, जनजातीय लोगों के अधिकार के लिए जूझते रहे, अंग्रेजों ने उन्हें एक बार पकड़ लिया, 1891 में उनको जेल में बंद कर दिया, वापस 1895 में पकड़ा, बाद में छोड़ दिया। तो अंग्रेज इनसे खूब खाते थे, अंग्रेज इनसे डरते थे, उनके कारनामे, अंग्रेजों के खिलाफ जो कारनामे थे उनके जो अनुयायी हैं बिल्कुल धनुष बाण लेकर है ना निकल पड़ते थे। तो एक डर रहता था अंग्रेजों को भी कि बिरसा को हम कैसे नमाएं, कैसे उनको इससे अलग करें, क्योंकि लोग इनके पीछे आंदोलन कर रहे हैं, हर तरह से वो तैयार थे अपने देश के लिए, अपने देश को गुलामी की जंजीर से मुक्त करने के लिए वो तैयार थे। और ऐसे में डुम्बारी वाली जो घटना घटित हुई उसमें काफी लोग इकट्ठा हुए थे, उस इकट्ठे लोगों पर गोलियां चलाई गई और कहते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा को पकड़ लिया गया। और एक छोटी सी घटना का मैं जिक्र करता हूँ कि उस समय बिरसा मुंडा को जो पकड़ लिया अपना ही एक आदमी, हमारे गुजराती में जो कहावत है घर फूटे घर जाए, घर फूटे घर जाए, तो उस वक्त अपने ही एक आदमी ने भगवान बिरसा मुंडा की उपस्थिति जिस जंगल में थी उसका रास्ता दिखा दिया कि भगवान बिरसा मुंडा वहां भात पका रहे हैं, चावल पका रहे हैं, और उसका जो धुआं निकलता है जंगल से, तो उस धुएं के देखा और मेरा बराबर जो अंग्रेज है वहां पहुंच गए, पकड़ लिया। बदले में उस आदमी को कुछ रुपया मिला होगा। भगवान बिरसा मुंडा को पता चला जिस आदमी ने ये जानकारी दी थी उसके बारे में, चलिए उसको भात तो मयसर होगा, जो पैसा आएगा उससे उससे वो अनाज खरीदेगा, चावल खरीदेगा और उसको भात तो मिलेगा। यानी भगवान बिरसा मुंडा के हृदय में अपने लिए जिन्होंने एक षड्यंत्र किया है ऐसे व्यक्ति को भी सम्मान से देखा, क्योंकि वो व्यक्ति दारुण गरीबी में जी रहा है, बदले में बिरसा की खबर देने के बदले में उसको थोड़ा पैसा मिलेगा, थोड़ा पैसा मिलेगा उससे वो भात खरीदेगा है ना, और उससे उसका पेट भरेगा, तो उसको भी मिलेगा। तो मित्रों भगवान बिरसा मुंडा का ये व्यक्तित्व है, अद्भुत व्यक्तित्व है, जिन्होंने अपने प्राण हरने के लिए अंग्रेजों के हाथ में सौंपने की बात कही, उस व्यक्ति को भी भगवान बिरसा मुंडा ने उन्हें कुछ नहीं कहा, बस मैं किसी के लिए ये कर रहा हूँ, उसने जानकारी दी है और सुखी होगा, उसको दो पैसा मिलेगा, चलिए जानो दीजिए। तो ये है भगवान बिरसा मुंडा के प्यार। मित्रों आगे की जब बात करते हैं तो कहते हैं कि बाद में हजारीबाग जो है जेल में पकड़ के चूस दिया गया, अंग्रेज जो है भगवान बिरसा मुंडा के ऊपर कहते हैं कि भाई कोर्ट कचहरी में केस चलाया, और वहां रहते रहते भेड़ियां, मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि लोहे की जंजीरों से उनका जो पूरा शरीर है बांधा हुआ था, और लोग चाहते थे उनकी मुक्ति, अंग्रेज चाहते थे उनको हमेशा के लिए खत्म कर दें, उनकी आवाज दबा दी जाए, उनकी आवाज बंद कर दी जाए। और ऐसे में कहते हैं कि मैं उनके एक मित्र का नाम लेना चाहूंगा जो उनके साथ रहा करता था, उनका सहपाठी था, उन्होंने एक डायरी में ये बात लिखी थी, भगवान बिरसा मुंडा के जो कारनामे हैं उस पर वो लिखते रहते थे, जब जब समय होता था वो अपनी जो नोटबुक है उसमें लिखते जाते थे बिरसा के बारे में। वो मित्र थे
लेकिन वो अंग्रेजों की ओर से नौकरी करते थे, लेकिन एक डायरी मेंटेन किया करते थे, उसमें ये बात भगवान बिरसा मुंडा क्या क्या उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया उस जेल में। तो कहते हैं कि आखिर में जेल में बंद बिरसा जी को जहर दे दिया गया था। मैंने पहले भी इस घटना का जिक्र किया है, भगवान बिरसा मुंडा को जहर दे दिया गया और ये अफवाह फैलाई गई कि भगवान बिरसा मुंडा को हैजा हो गया है और हैजे के कारण उनकी मृत्यु हो गई। वास्तव में हैजा नहीं हुआ था, उनको जहर दे दिया गया था और इनकी जेल में मृत्यु। मित्रों, आपने अभी आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, उसमें जो शहादत को प्राप्त हुए ऐसे जो जन नायक है हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल गए। कई एक ऐसे जो जनजातीय नायक हैं उनको तो बरगद के पेड़ पर सरेआम लटकाया गया। भगवान बिरसा मुंडा को गुमनाम रूप से अंग्रेजों ने उनके देह को शव को अपने परिवार को नहीं सौंपा था आपकी जानकारी के लिए, बल्कि जेल से सीधे वो अलग ले गए थे और वहां दाह क्रिया कर दिया उनका। तो कहते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा के साथ जो हुआ वो अंग्रेजों ने किस तरह से ये बिरसा मुंडा जी को मतलब मार डाला, जहर देकर मार डाला, लेकिन अपनी बात कहते रहे कि भगवान बिरसा मुंडा, बिरसा जी की मृत्यु हैजा से हो गई है। तो ऐसे थे हमारे भगवान बिरसा मुंडा, जो भगवान बिरसा मुंडा ने केवल 25 साल की उम्र में अपने आप को है ना उत्सर्जित कर दिया इस मातृभूमि के लिए। ऐसे भगवान बिरसा मुंडा जी को हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनकी 147वीं जन्म जयंती के अवसर पर हम सब प्रणाम करते हैं, अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। हमारे विश्वविद्यालय की ओर से भगवान बिरसा मुंडा को सत सत प्रणाम, भगवान बिरसा मुंडा की जय हो। धन्यवाद। मित्रों, आपने मुझे थोड़ा समय दिया, हर बार मुझे बोलना होता है, आप में से कोई तैयार करे या कोई निबंध लिखे तो अच्छा रहेगा, लेकिन मेरा एक दायित्व है, मैं जिस यूनिवर्सिटी में हूँ जिसका नाम ही भगवान बिरसा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, तो हमारे शब्दों के सुमन जो है उनको अर्पित करते हैं, प्रणाम करते हैं और आप सबको उनकी जन्म जयंती की बधाई और पूरा देश मानव गौरव के रूप में उनके जन्म दिवस को मना रहा है, उनको भी हम साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। ऐसे व्यक्तित्व को हम याद करते हैं जिन्होंने 25 साल की उम्र में अपने आप को उत्सर्जित कर दिया अपने समाज के लिए, न केवल अपना समाज बल्कि अपने देश के हर आदमी के लिए, हर व्यक्ति के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है। मैं पुनः भगवान बिरसा मुंडा को वंदन करता हूँ, आप सबको भी नमस्कार, धन्यवाद। मेरी बात को यहाँ मैं विराम देता हूँ। गुड बाय सर, गुड बाय। જનજાતીય ગૌરવ દિવસ નિમિત્તે સમુદ્રના સમગ્ર જીવન વિશે ખૂબ જ સરસ આપણને માહિતી પૂરી પડી। ભગવાન બિરસા મુંડાએ જનજાતીય લોકોના અધિકારોને ફરી પાછા એ જળ જંગલ અને જમીનના અધિકારો ફરી પાછા પ્રાપ્ત થાય એના માટે જે સંઘર્ષ કર્યો એની ખૂબ સરસ માહિતી આપણી સમક્ષ મૂકી છે સાહેબ। અને સાહેબે વચ્ચે પોતાના વ્યાખ્યાનમાં વાત કરી કે એમને શસ્ત્રના રૂપે ધનુષ અને મુરલી પણ એ સ્વીકારેલા હતા, રામ અને કૃષ્ણને પણ સારી રીતે એમને બચાવ્યા અને પોતાના આ રાષ્ટ્ર માટે, જનજાતીય સમાજ માટે અને એમને પોતાનું ગૌરવ ફરી પાછું પરત મળે, અંગ્રેજોના શાસનમાંથી મુક્તિ મળે એમના માટે એમને સંઘર્ષમય જીવન એ વિતાવ્યું। હવે હું કુલ સચિવ શ્રી ડોક્ટર વિજયસિંહ વાળ સાહેબને નમ્ર નિવેદન કરું કે તે આ વેબિનારને આભાર વિધિ કરે। નમસ્કાર। બિરસા મુંડા ટ્રાઇબલ યુનિવર્સિટીના પ્રથમ કુલપતિ અને આ પરિવારના વડા માનનીય શ્રી ડોક્ટર મધુકર પાડવી સાહેબ,
કોલેજ ત્રણે ત્રણ વિદ્યા શાખાઓમાંથી ઉપસ્થિત તમામ સ્ટાફ, કેમ્પસ કોઓર્ડિનેટર તરીકે જવાબદારી નિભાવતા પ્રકાશભાઈ, અન્ય આચાર્ય મિત્રો, અધ્યાપક ભાઈઓ બહેનો, વિદ્યાર્થીનીઓ, વિદ્યાર્થી ભાઈઓ બહેનો, અન્ય કોઈ જોઈન્ટ થયા હોય આ વેબિનારમાં તો સૌની નોંધ લઈએ છીએ. 147મી ભગવાન બિરસા મુંડાની જન્મ જયંતિ નિમિત્તે પુષ્પાંજલિ કાર્યક્રમ, ભગવાન બિરસા મુંડાને દીપ પૂજન, પુષ્પાંજલિ, પ્રકૃતિ પૂજા અને એમના જીવન વૃતાંત વિશેની આ વાત, આમ તો એનો આ બીજો મણકો કહેવાય. સાહેબ માનનીય શ્રી ડોક્ટર મધુકર પાડવી સાહેબ આપણે ત્યાં વાઇસ ચાન્સેલર તરીકે જવાબદારી નિભાવ્યા પછીનો આ બીજો મણકો કહી શકાય. આ આ મણકાને આપણે સતત આગળ વધારીએ. ભગવાન બિરસા મુંડાએ એમના 25 વર્ષના જીવનમાં આપણે એમને 150 વર્ષ સુધી પણ હજી યાદ કરીએ છીએ એવા એમણે કર્મો કર્યા છે, એવા સત્કર્મો કર્યા છે. એમના નામની યુનિવર્સિટીમાં, વિશ્વવિદ્યાલયમાં આપણને સૌને કામ કરવાની, અભ્યાસ કરવાની તક મળી છે. એમના 147મા જન્મ જયંતિ નિમિત્તે આપણે એમને શ્રદ્ધાસુમન અર્પણ કરીએ. આ કાર્યક્રમમાં જે કોઈ જોડાયા, જેમણે પણ જેમની ભાગીદારી આપી, એ સૌનો બિરસા મુંડા ટ્રાઇબલ યુનિવર્સિટી પરિવાર વતી સૌનો આભાર વ્યક્ત કરું છું, આનંદ વ્યક્ત કરું છું. થેન્ક્સ અલોટ. થેન્ક્સ અગેન. હેલો, આભાર સર. ધન્યવાદ.